देखो जो ये सरकार का चाल चरित्र चेहरा इस केस के राही लोगों के सामने नंगा हो रहा है, किस तरीके फैब्रिकेट किया जा रहा है, सबूत बनाए जा रहे ने। असी तो इस करके मोहाली विजिलेंस दफ्तर गए सी पंजाब की सारी टीम नाल लैके कि होर भी अगर किसी के उत्ते कोई शक है, होर भी किसी के कोई कंप्लेंट है तो तुम फड़ो, मीडिया के फेक खबर चला के इस तरीके लोगों को घबरा करने का यतन ना करो जिस तरह तुम कर रहे हो। जो लोगों झूठ बोल के सरकार बनाई गई सी और अज पांच महीनों के इस सरकार का ग्राफ जिस ढंग नाल थले आया उसनु लुकाउण दा यतन है। हुण सरकार है, हुण कोई कम करके दिखाना पवेगा, सिर्फ लोगों कुछ करके दिखाने लई जिहड़े ड्रामे रचे जा रहे हैं, ये जिहड़े केस बनाए जा रहे हैं, ये सानू समझ नहीं आता कि लोगों को समझ नहीं आता। जनता के पैसे नाल अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हो ये नज़र आ रहा, और पंजाब दे ते दिल्ली दे पैसे नाल देश दे हरेक सूबे दे विच इश्तेहारबाजी दी जा रही है, ये नज़र आ रहा। नज़र यह आ रहा कि देश दे लुटे हुए पैसे नाल न्यूयॉर्क टाइम्स दे विच जाके इश्तेहारबाजी की जा रही है, नज़र तो यह आ रहा है, ये सरकार की ड्रामेबाजी लोगों के सामने नज़र आ रही है। महला क्लीनिकां दे विच डाक्टर तो अस्तीफा दे गए, तुहानू इस गल का पता है किन्ने डाक्टर महला क्लीनिकां दे अस्तीफे दे गए। दिल्ली दे विच महला क्लीनिक खुले नू 8 साल हो गए, एक डाक्टर भर्ती नहीं किया, कंधा इलाज करनी है कि बंदे डाक्टर इलाज करनगे, उत्थे महला क्लीनिकां च कुत्ते भौंकदे फिरदे आ। स्पोक्सपर्सन ने कांग्रेस के कन्वर हरप्रीत जी नाल करने, सो हरप्रीत जी दो दिन का जिहड़ा कि रिमांड फिर जिहड़ा कि आ साबका मंत्री का मिले, तो की कहना चाहते इस बारे? देखो ये एक कोर्ट का लीगल प्रोसैस है, इस दे बारे च टिप्पणी करना साडा कोई राइट नहीं बनता जी। बाकी देखो जो ये सरकार का चाल चरित्र चेहरा है इस केस के राही लोगों के सामने नंगा हो रहा, किस तरीके फैब्रिकेट किया जा रहा है, सबूत बनाए जा रहे हैं और एविडेंस न किस तरीके उन्होंने झूठे एविडेंस बनाने का यतन किया जिड़े कि वो कामयाब नहीं हो सके, जिदे क्योंकि असी अपनी गिरफ्तारी देने आप ही विजिलेंस दफ्तर गए, उस तो बाद सरकार बैकफुट से आई, उन्होंने गिरफ्तारी करनी पई जबकि उन्होंने कोई सबूत नहीं सी, एक सिर्फ मीडिया के जरिए माहौल बनाया जा रहा है आने वाली कारपोरेशन इलैक्शन के मद्देनज़र, क्योंकि पंजाब के चार जिले कारपोरेशन इलैक्शन थोड़े सामने सिर पर खड़ी है, खास करके मैं लुधियाने का इतने जिक्र करा क्योंकि पंजाब की सब तो वड्डी कारपोरेशन लुधियाना, तो वो मद्देनज़र एक माहौल बनाने का कांग्रेस के खिलाफ यतन किया जा रहा है। उस माहौल में ना बन देने कांग्रेस पार्टी की सारी लीडरशिप आप आशु जी नाल गए, तो उत्थे असी विजिलेंस के दफ्तर पेश होने गए कि जिदे जिदे तो कल्ले आशु जी नहीं, होर भी जे किसी ते तुहानू कोई कंप्लेंट आई है, कोई शक है, कोई सवाल ने तो पुछो, उदों तां इह सारे दफ्तर छड्ड के इन्हां दे अफसर भज गए जी। पर जिहड़ी की आ गिरफ्तारी तो लुधियाणा होनी सी क्योंकि लुधियाणे विच केस रजिस्टर्ड हुंदा, देखो गिरफ्तारी लुधियाणे होनी सी, बट जिहड़ा विजिलेंस का मेन पंजाब का मोहाली दफ्तर है कि लुधियाणा दफ्तर उहदे अंडर नहीं है। मैं तुहानू पुछना चाहुंना जेकर किसी ने कोई कंप्लेंट कोई पुलिस चौंकी दे विच होवे ते की थाणा उत्ते कार्रवाई नहीं करता, कि डिप्टी नहीं कर सकता जां कमिश्नर नहीं कर सकता? असी तां इस करके मोहाली विजिलेंस दफ्तर गए सी पंजाब की सारी टीम नाल लैके कि होर भी अगर किसी के उत्ते कोई शक है, होर भी किसी के कोई कंप्लेंट है तो तुसीं फड़ो, मीडिया के फेक खबर चला के इस तरीके लोगों को घबरा करने का यतन ना करो जिस तरह तुम कर रहे हो। सो पर ये होर भी गल्लां निकल के आ रही जिहड़ा कि हुण टाइल लोकिंग टाइल घोटाला जिहा गल करिए, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट का बाला सुब्रमणियन का वह भी जो घोटाले नाल आशु जी जोड़ा जा रहा है? देखो ये तो गड्डे नाल कट्टा बन्नण वाली गल्लां ने जी, कोई आशु जी का इंप्रूवमेंट ट्रस्ट नाल लिंक नहीं, कोई उन्होंने महकमा नहीं बनता, और दूसरी गल जिहड़ा तुसीं कहिंदे हो रमन बाला सुब्रमणियम जी का इंप्रूवमेंट ट्रस्ट का, तो वो मैं कहना वो बारे भी तथ्य देन सबूत देन, कोई 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 डाटा देन, किस मुलाजम तो की पुछगिछ की है, किस अफसर ने की बयान दिते, कोई जाहरता कर, ये तो लोगों नू सिर्फ कुछ करके दिखाने लिए कुछ भी किया जा रहा, ये सरकार दी नाकामियां नू छुपाने का यतन किया जा रहा। जो लोगों नू झूठ बोल के सरकार बनाई गई सी और अज पांच महीनों के इस सरकार का ग्राफ जिस ढंग नाल थले आया उसनू लुकाउण का यतन है, मनीष सिसोदिया के उत्ते जिहड़ी रेड हुई है उस तों लोगों का ध्यान भटकाउण का यतन है,
गल ये है कि सिर्फ लोगों को बुद्धू बना के काम नहीं चलना, एक बार लोगों को गुमराह कर लिया, एक बार लोगों को चांसे च लै लिया, बार बार नहीं हुण हो सकता। हुण सरकार है, हुण कोई काम करके दिखाना पवेगा। सिर्फ लोगों को कुछ करके दिखाने लई जिहड़े ड्रामे रचे जा रहे हैं, ये जिहड़े केस बनाए जा रहे हैं, ये सानू समझ नहीं आता कि लोगों को समझ नहीं आता। पंजाब के लोग अनपढ़ नहीं है, पंजाब के लोग सियाने है, पढ़े लिखे है, सारा समझते हैं। मान साहब का जिहड़ा कि कल भी एक बयान आया, उन्होंने कहा कि हुण तां बुखलाए हुए कांग्रेस, क्योंकि इन्हां दा जिहड़ा की आ इन्हां दा काम हुंदा सी नींह पत्तर रखना। नींह पत्तर रखने तों बाद जिहड़ा की आ डंगर बच्चे उन्होंने खुरक करन जोगे नींह पत्थर रह जांदे, पर कोई हुंदा कुछ नहीं सी। पर हुण असीं पंज महीनां जो काम असीं करते आ, शायद इन्हां दी अखां 'च खड़े तां इल्जाम साडे ते उल्टा ला रहे। मैनूं दस्सण ना, पंज महीने 'च कीता की है? सेवा केंद्रां दे उत्ते रंग करके ते उन्होंने ना दिता आम आदमी क्लीनिक का। तुसी मैनू एक गल दसो, कांग्रेस पार्टी ने इत्थे एडे एडे वड्डे हस्पताल बनाए, आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, भाखड़ा डैम, होर कई कुछ कई कई तरह यूनीवर्सिटियां बनाईया, फिर असी उन्हां सारियां दा ना जे कि कांग्रेस यूनीवर्सिटी रख देंदे जां भाखड़ा डैम नूं कांग्रेस डैम कहना शुरू कर दिंदे। एक मिनट मेरी गल सुनो, ये पुरानियां बनियां बिल्डिंगां नूं रंग करके तुसीं किस तरीके नाल जनता दे पैसे नाल अपनी पार्टी दा प्रचार कर रहे हो, यह नज़र आ रहा। और पंजाब दे ते दिल्ली दे पैसे नाल देश दे हरेक सूबे दे विच इश्तिहारबाजी दी जा रही है, यह नज़र आ रहा। नज़र यह आ रहा कि देश दे लुटे हुए पैसे नाल न्यूयॉर्क टाइम्स दे विच जाके इश्तिहारबाजी की जा रही है। नज़र तो यह आ रहा है, यह सरकार की ड्रामेबाजी लोगों के सामने नज़र आ रही है। सो हरप्रीत जी, तुसीं आप ही कह रहे हो कि जिहड़ा कि लोगों के पैसे नाल इश्तिहारबाजी की जा रही है, तो यह गल तो तुसीं मानते हो? तो दुनिया जानती है। मैं फिर जिहड़ा कि जिहड़ियां तुसीं कह रहे हो यूनीवर्सिटियां बनिया, भाखड़ा डैम बनिया, होर वड्डे वड्डे जिहड़े कॉलेज बने आ, वह भी तो लोगों के पैसे ना बनिया, सिर्फ कांग्रेस सरकार से उस वेले, वह भी फिर पब्लिसिटी का काम तो नहीं बन। बिल्कुल सही सवाल तुसीं पुछिया, मैं उही उत्थे ही सीगा, तुसीं मेरी गल विच टोकती सी। मैं उही कहण जा रहा सी कि जिहड़े कांग्रेस पार्टी ने एडे एडे वड्डे काम कराए, असी तो कोई नाम नहीं खट्टण दा यतन किया, असी पब्लिक दे पैसे नाल काम कराया, पब्लिक दे लई कराया, तो पब्लिक नूं समर्पित किया। असी उहदे ते कोई कांग्रेस पार्टी का डैम नहीं लिखता, असी उहदे कोई कांग्रेस पार्टी यूनीवर्सिटी नहीं लिखती, असी कोई कांग्रेस पार्टी हस्पताल नहीं लिखता। इन्होंने निके निके मुहल्ला क्लीनिक जिहड़े बनाए, वह भी पहलां बनिया बिल्डिंगां ते रंग करके उत्ते आम आदमी क्लीनिक लिखण दा, इन्हां दा हिम्मत किवें पई पब्लिक दे पैसे नाल अपनी एडवर्टाइजमेंट करन दा? मैं तां इह पुछणा, 5 साल कांग्रेस दी सरकार है, कैप्टन वी रहा चन्नी वीरे, उस वेले तुसीं क्यों नहीं कीते? तो असं यह जे काम करते ही नहीं, असं लोगों लिए मुहल्ला क्लीनिक खोले, तो आम बंद जो कोई दवाई मिल जाएगी तो विरोध किस चीज़ का? मैं ये कह रहा जी, तुम दसो भी कांग्रेस पार्टी के समय से कोई हस्पताल नहीं बने, सवाल पूछ लियो ना, महला क्लीनिकां दे विच डाक्टर तां इस्तीफा दे गए, तुहानूं इस गल दा पता है किन्ने डाक्टर महला क्लीनिकां दे इस्तीफे दे गए? दिल्ली दे विच महला क्लीनिक खुले नूं 8 साल हो गए, एक डाक्टर भर्ती नहीं कीता, कंधा इलाज करनगियां कि बंदे डाक्टर इलाज करनगे? उत्थे महला क्लीनिकां च कुत्ते भौंकदे फिरदे आ। अजे शुरू होया जी, जे असीं उहनां दा भी सच दिखावांगे। एक जिहड़ी होर गल लोकल बॉडी विच समझ आ रही है, जिहड़ी कांग्रेस दी लोकल बॉडी, ज्यादातर लोक जिहड़े की आ दूर दूर आए ने, दूर दराज तों आए, पर इत्थे लोकल कई कौंसलर जिहड़े कांग्रेस दे, इन्ने कौंसलर ने, कोई कौंसलर विचों लोकल कौंसलर नहीं देखदे, ना ही कोई लोकल बॉडी दे लीडर देखदे आ। इन्हां विचों गल्लां सुनने भी आउंदे जिहड़े कि राकेश पांडे ते डावर दी जिहड़ी टिकट कट्टी गई सी मंत्री पद तों, उहदा भी विरोध साफ सामने नज़र आ रहा। कोई टिकट नहीं कट्टी गई सी, पिछली सरकार च एमएलए रहे ने, मंत्री पद की कह रहे, कैबिनेट मंत्री की, राकेश पांडे सब तो बात बार जीते ने। देखो इदा नहीं होंदा, पूरे इंडिया की गल नहीं होंदा, जे मिनिस्टर बनाने होंदे ने 17 जी, ते उहदे विच तुहाडे कोल एमएलए सीगे 78, हुण 78 चो 17 ये हाईकमांड ने डिसीजन लेना है कि किनू की मौका देना है। इहदे विच सुनो मेरी गल सुनो, ये जिस तरह की तुम गल कर रहे हो ना, जां सुनी सुनाई गल कर रहे हो, जां अपने कोलों क्रिएट करके कर रहे हो, मैनू नहीं पता लोगों के कोई सवाल नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक मुठ ते एकजुट है, ये सारिया जिन्नियां कंस्टीचुएंसियां उन्हां सारिया के ब्लॉक प्रेजिडेंट, उन्हां सारिया के काउंसलर्स वो आते ते जाते रहते हैं। तुसी दिने तुसी सारा दिन इत्थे रहने हो, तुसी देखदे हो। मैं ये नहीं कहिंदा, मैं तो यह कह रहा हाँ भी कांग्रेस पार्टी दे तां असी नुमाइंदे दे तौर ते, असी क्योंकि अपने लीडर दे नाल खड़ना है, अपनी पार्टी दे नाल खड़ना है, असी इस लई इत्थे आ रहे हैं। अदरवाइज ये प्रोग्राम साडा है ही नहीं, साडा तां प्रोग्राम जदों असी उलीकांगे बकायदा ऐलान करांगे, मीडिया के हरेक प्लेटफॉर्म तो ऐलान करके जावांगे, और इस सरकार नूं गलियां कूचियां दे विच जाके भंडांगे, इन्हां दा जलूस कढांगे। पंजाब की जनता
अज जिस तरीके पंजा महीनों से इन्हों तो फैडअप हो गई अपने आप मिसाल है और लोग साढ़े नाल साथ देने तैयार हाँ असी जदों असी जिदन कॉल दी लोग आप मुहारे निकल के आएंगे तुहाडे सामने। सो एक गुलाम नबी जी जिहड़े तुहाडे जम्मू कश्मीर के बड़े मिनिस्टर भी रहे वख-वख प्रदेशों में भी रहे उन्होंने वालों अस्तीफा दिता गया और बीबीसी के इंटरव्यू में उन्होंने भी कहा भी आ जी कांग्रेस पार्टी उन्होंने चाटूकार चमचा की रह गई ये जो कि होना सिफारशी लोग आ राहुल गांधी की जादा आया तो ये पार्टी जी कि हूँ सर्वनाश के मुद्दे पर आ गई है उन्होंने कहना मेरा नहीं। देखो ये देश आजाद है जी हर बंदा अपने विचार प्रगट करने लिए स्वतंत्र है जी साढ़े कांग्रेस पार्टी के कोई डिक्टेटरशिप वाला माहौल नहीं है कि फलाने ने यह गल क्यों कही तो टेंके ने जिहड़ा दूसरी पार्टियां चलता होएगा चाहे तुसी गल कर लो आम आदमी पार्टी या बीजेपी या अकाली दल मैं तुहानू स्पष्ट कर देना चाहना कांग्रेस पार्टी का यह कल्चर नहीं है जे कोई किसी जाना चाहता वो स्वतंत्र है जो कोई कोई किसी तरह का बयान देता वो असी किसी का मूँह नहीं फट सकते लेकिन गुलाम नबी आजाद जी ने सारी जिंदगी कांग्रेस कट्टी है कांग्रेस पार्टी के वड्डे वड्डे अहुदियां ते रहे आ कांग्रेस पार्टी ने उन्होंने कई तरह के संविधानिक अहुदियां ते नवाजिया है जे उसके बावजूद भी उन्होंने इस तरह लगता है तो ठीक है उन्होंने मर्जी है वो स्वतंत्र ने जिते मर्जी जान जी। यही सवाल दोबारा मुड़ के आ जाता तुम कहते थे कि जोड़ा की है इतने 17 MLA की गल की भी मंत्री ने जोड़े की है 72 से कुछ सके पर जो कि नहीं देखा जाता कि जो सब तो वह जित जे सब तो वह जिन्होंने लोग पसंद करते हैं सब तो वह ज़्यादा बार जितया उन्होंने मंत्री बनाना चाहिए सी फिर ये तुम्हें नहीं लगता कि सिफारशी है। नहीं देखो ये कोई क्राइटीरिया नहीं होंगे जी इस तरह की कोई गल नहीं कि जो ज़्यादा बार जितया या थोड़ी बार जितया हूँ तुम आम आदमी पार्टी की अच्छ गल कर लो कई सैकेंड टाइमर जितते हुए MLA ने जिहड़े मिनिस्टर नहीं लाए गए तो कई फर्स्ट टाइमर सारे तकरीबन मिनिस्टर लाया सवाल असं जानना चाहते हैं कि जो आरक्षण मंगर गल आ गई है जो कि 99% वाला आ 84 का जो कि 70% वाला वो अफसर लाया नहीं। देखो मैं फिर तुम्हें दस रहा ये कोई क्राइटीरिया नहीं होंदा इहदे विच तां पार्टी हाई कमांड ने डिसीजन लेना होंदा उन्होंने जिहड़ा बंदा मुफीद ज़्यादा लगता कि ये अच्छे तरीके नाल काम संभाल सकता वो उसनू जिम्मेवारी देंदे इहदे साडा भी कोई रोल नहीं होंदा इहदे च पंजाब दा जां तां मुख्यमंत्री वो अपना एक अहम रोल प्ले करते हैं या साड़ी पार्टी हाई कमांड डिसीजन लेंदी है ये मैं समझदा कि साडा कोई किसी तरह का ना तो कोई इंटरफेरेंस होंदी है ना कोई रोल होंदा हाँ साडा काम यह होंदा कि जिस किसी भी पार्टी हाई कमांड ने जिम्मेवारी दे के भेजी है असी उहदा सहयोग करिए असी उहदे नाल खड़ीए जे कांग्रेस पार्टी कल नूं किसी भी मैं पांडे साहब डाबर साहब का तुम ना लिया साढ़े सत्कारयोग ने सीनियर ने तो वो पार्टी उन्होंने कोई जिम्मेवारी देगी तो पार्टी का हरेक वर्कर उन्होंने नाल खड़ेगा उन्होंने पिठते खड़ेगा। सो हुण जिहड़ा कि दो दिन फिर यह जिहड़ा कि इत्थे तुहाडा जमावड़ा लगे रहेगा इत्थे ही मैं फिर दस रहा तुहानूं साडा कोई प्रोग्राम नहीं है इत्थे कांग्रेस का नहीं कहा तुहाडा क्या मैं कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदे दे तौर ते कहना सी कांग्रेस नुमाइंदे दे जिहड़े कि असीं इत्थे कांग्रेस दे तुसीं कांग्रेस नुमाइंदे दी नाल ते खड़े पर तुसीं कहा इत्थे असीं सिर्फ उन्हां दे प्रशंसक खातर आए मैं कह रहा इत्थे उन्हां दे प्रशंसक मैं दोबारा दसदा तुसीं फिर कर लो रिकॉर्ड कर लो तो याद भी रख्या करो एक गल नूं कि उन्होंने जिहड़े प्रशंसक उन्होंने चाहण वाले उन्होंने समर्थक वो इत्थे आके बैठते हैं तो साडा फर्ज है जो वो बैठे ने तो असीं उन्होंने नाल आके बैठीए साडा यह कोई प्रोग्राम नहीं है असीं तां सिर्फ उन्होंने नाल मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के बैठे हैं जी। सर DSP बलविंदर सिंह बोलो जिहड़ा कि एक अज्ज मंग पत्र भी दिता गया जिहड़ी इत्थे तारां कुंडी दीआं लगियां ने कुंडी उत्ते सारा चलता पिया मजमा तो जिहड़ा होर जिहड़ा कि इत्थे एक सरकारी जगह जिला परिषद इत्थे किद्दां उन्होंने जिला परिषद के ऑफिसर भी एक नोटिस गया है भी इत्थे किद्दां लगन देता जे 144 भी लगी हुई है उत्ते की कहना नहीं वो कहो जनरेटर मां थोड़ी गलां मैं जवाब दिया सेखों साहब का जवाब जो लेना सरकारी जगह जवाबड़ा लगा देखो मेरी गल सुनो सरकारी जगह किनू कहिंदे आ पब्लिक प्रॉपर्टी तो पब्लिक बैठी है किसी की तंगी है तो जे सरकार कोई तकलीफ होएगी तो सरकार देखेगी उसे तुसी क्यों टेंशन लेने हो तुसी पानी पियो आराम करो जिहड़ा तुसी सवाल पूछे मैं तुहानू जवाब दिते है होर कोई पूछना तो पूछ लो। धन्यवाद सर। सो साडे नाल जिहड़े की है स्पोक्सपर्सन कांग्रेस तो जिहड़े कन्वर हरप्रीत सिंह जी इहनां वल्लों जिहड़ा कि हुण सवालां दे जवाब दिओ तो जिहड़ी कुछ इधर सवाल भी होंदे आ कई बार नहीं जवाब हुंदे हुंदा पर सू दस दिए कि जिला परिषद दा ऑफिसर कानून की पालना करना हर एक बंदे दा धर्म बनता है जे कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने जे कि स्पोक्सपर्सन ने तां भी इहनां दा फर्ज बनता जे आम लोग ने तां भी साडी सरकारी प्रॉपर्टी नूं नुकसान ना पहुँचाया जाए तो ना जिहड़ी 144 लगे
ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਮਾਵੜਾ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਣ ਸੋ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਤਲਖੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਹ ਲੈਣਾ ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਮਾਵੜਾ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਉਹਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਲੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਜੀਰਾ।